मुझको जिम्मेदारी दे गए, आज मैं मोमोज बेचूंगा लोगों को। मोमोज ले लो, मोमोज ले लो। चाइना बॉर्डर जितना, पूरा चाइना बॉर्डर जो है टिबेट चाइना बॉर्डर को पूरा, ये यही फोर्स है जो हम लोगों की और आप लोगों की सुरक्षा करती है। अब अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो मैं आपको समझाऊंगा कि आप बार्गेनिंग अच्छे से करना और कहीं मिडिल से परचेज करना, नहीं तो एंड की और शुरू की शॉप्स में ना आपको सारा सामान बहुत कॉस्टली मिलता है। देखो भैया मौत का खेल चल रहा है, तो देखो पंकज भदौरिया जी वो बांट रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे हैं, मतलब वही पहला दूसरा प्राइस बांट रहे हैं। दिखाता हूँ वीडियो। ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। 2500 से ज्यादा वो लगे, बाकी दुकान पे वो होंगे इयररिंग्स। मैं हूँ तेरे वाले ना निकले। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे एंड में तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है जी, शुरू करते हैं। 3 2 1। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोगों ने हमारे पिछले दो ब्लॉग जो कि इको पार्क धनौल्टी और एक ब्लॉग था आपका सुरकंडा देवी मैया के जो कि धनौल्टी से भी आ गया, वो देख लिए होंगे। तो अगर नहीं देखे हैं तो अभी आके तुरंत देखो और लाइक वाइक करो, काम वाम करो। आज हम एक नई जगह और निकल रहे हैं, वीडियो बने रहो, लेके चलते हैं, बढ़िया फेस्टिवल दिखाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मसूरी और मसूरी की मॉल रोड की जो पार्किंग है वहाँ पे हमने करी है गाड़ी पार्क। अब जरूरी बात जो तुम लोगों को बताना चाहूँगा भैया, कभी आओ ना मसूरी, किसी होटल वोटल वाले से बात कर लेना, कुछ सेटिंग कर लेना। यहाँ पार्किंग के तो 300 रुपये पार्किंग मांग रहा है, हमने कही तीन चार घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करनी है, 300 रुपये पार्किंग, मतलब कुछ सेंस नहीं है बात का मेरे हिसाब से। तो देखो पार्किंग से व्यू देख लो, ये पार्किंग है सारी की सारी, और यहाँ से उधर हमें पैदल चल के वो देख रहे हो, उधर से उधर माल रोड की तरफ जाना है। तो भैया देखो कोविड के केसेस दोबारा से आ गए हैं, तकरीबन 10,000 के आसपास से कम तो केस आए गए हैं इस टाइम तक। और जब आप ब्लॉग देख रहे होगे तो मुझे उस समय की स्थिति नहीं पता क्या स्थिति हो रही होगी, तो इसलिए मास्क लगा लिया है। और कोशिश करो भैया घूमने बाहर जा रहे हो तो यूज एंड थ्रो तो मास्क लगा के चलो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, अपनी सेहत अपने हाथ में रहेगा आपके, समझ रहे हो। अब ब्लॉग किस तेजी मार दी उन्होंने बोल के भाई साहब ने बड़ 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 बड़। तो मसूरी के चौराहे पे हम आ गए हैं, मसूरी का चौराहा दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है जिसको हम देखने आए हैं, वो देख लो। तो माल रोड में एंट्री के ना दो पॉइंट्स होते हैं, तो एक तो मेन चौराहे से पॉइंट है जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, और एक बैक साइड से है। तो यहाँ से गाड़ी वाड़ी की एंट्री होती है, जैसे यहाँ गाड़ी की एंट्री हो रही है ना ऐसे एंट्री होती है, तो ये मेन गेट है। देखो मैं कह रहा था गाड़ी की एंट्री हो रही है, अरे जगह मिल जाती यार। तो यहाँ से माल रोड स्टार्ट होती है और कुछ यहाँ से शॉप शुरू हो जाएंगी। अब अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो मैं आपको समझाऊंगा कि आप बार्गेनिंग अच्छे से करना और कहीं मिडिल से परचेज करना, नहीं तो एंड की और शुरू की शॉप्स में ना आपको सारा सामान बहुत कॉस्टली मिलता है, क्योंकि मैं कई बार आ चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 100 रुपीज़ ना। चलो तो हमने एक रिक्शा कर लिया है क्योंकि हमारे भैया की जो बेटी है वो चलेगी नहीं, उसको चलने में डर हो रहा है। क्या हो गया है? पैदल चले? अरे भगवान समझ में नहीं आता, बड़ी समस्या है। पैसे के चक्कर में फिर उतर गए हम रिक्शे से, अब दूसरे रिक्शे से बात करी जा रही पैसे के चक्कर में, भैया पैसे कम लो मान नहीं रहे हैं, क्या किया जाए, हम तो कह रहे हैं पैदल चलो, मगर समस्या तो दूसरी है। फिर से रिक्शा कर लिया है हमने, ये भगवान क्या जुलुम है, अब पैदल चलने का मन है, हम चल नहीं पा रहे हैं, तो ये रिक्शा भी ऐसे ही जा रहा है। ये पैदल पैदल ही ले जाओगे क्या? मैंने कहा इतनी स्पीड से तो हम ही चल लेते। तो ये देखिए यहाँ से ये जो छोटा सा फेस्टिवल है ये थोड़ी सी स्टॉल वगैरह शुरू हो गई है, कपड़े वगैरह की दुकान है और खाने वगैरह की दुकान है, और यहाँ देख लो आप ऐसे जाम लग जाता है, कोई कहीं भी रोक देगा, एवरी फादर्स रोड इज हियर, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये फेस्टिवल चल रहा है, तो ये फूड फेस्टिवल पूरे में चल रहा है? हाँ बिल्कुल, एंड तक? एंड तो नहीं, यही तक है, यही तक है। हाँ आगे थोड़ी और आगे।
हम ना बाहर वाले चौराहे से जो अंदर वाला तिराया है मसूरी का मॉल रोड का, वहाँ आ गए जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, वहाँ तक रिक्शे से आ गए थे। अब है क्या कि जो वो दोनों फेस्टिवल है उसमें से एक फेस्टिवल तो अभी पीछे आपने क्लिप्स में देखा होगा, मगर वहाँ पहुँच के आपको हर एक इंडिविजुअल शॉप पे जाके बात कराएंगे, पूछवाएंगे है क्या, और देख रहे हैं आगे फेस्टिवल कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे मॉल रोड में आप आओगे तो बेसिक तो यहाँ पे ये है कि आप चिल आउट करो, सामान खरीदो, शॉपिंग का है। अगर आप कहीं घूमने आ रहे हो और पहले शॉपिंग कर चुके हो तो फिर यहाँ के आपको अफसोस होगा। तो कोशिश ये पहले यहाँ देख लो, बार्गेनिंग कर लो, सामान ले लो, उसके बाद फिर देखो अगर यहाँ शॉपिंग नहीं होती तो कहीं करो। वैसे तो यहाँ सारी हो जाएगी, सब कुछ है यहाँ पर। स्टील का भी आता है ना जो पाव भाजी मैशर जो आता है? ना ना वो तो हमारी यहाँ नहीं, यहाँ सब वही है, लकड़ी का ही आइटम। लकड़ी का कुछ लेना हो तो मिल जाएगा। नीली बत्ती पे शॉपिंग हो रही है, नीली बत्ती में। सही है भाई, इन गाड़ियों को तो रास्ता मिलना चाहिए और सबको देना भी चाहिए, तो जान बचाने वाली गाड़ियाँ भैया। तो देखो एक ये चीज़ ली है, ये लिया है कुछ सूटर सा। अब लिया तो इसके लिए, मेरा मन करा तो मैं वो पहन लिया करूँगा जाए तो। कौन पूछ रहा है जाए, जब लंबा लंबा बढ़िया ठंड बचेगी जाम। कलर तो ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी आप आओ तो यहाँ शॉप पे आ सकते हो, देखो कितनी वैरायटी है, खास करके लेडीज शॉप है तो वैरायटी तो बहुत सारी है। और शॉप की पहचान ये है कि देखो इस शॉप से ना इतनी दूर दिखेगा होटल मॉल पैलेस, तो अंदाज़ा लगा लेना कितना कितना दूर है। बाकी वहाँ लेडीज़ सूटर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों के अलावा ना जैकेट का भी भंडार पड़ा हुआ है भाई साहब, भतेरी जैकेट है भतेरी। ये तो एक शॉप है, अब आगे वाली शॉप पर दिखाता हूँ आपको। ये शायद मेरे हिसाब से जेंट्स लेडीज़ मिक्स है, ये सिर्फ जैकेट की ही शॉप है। देखो ओ भैया मेरे, कितनी सारी जैकेट है। ये तो बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मतलब ठीक रहेगा कुल मिला के अपने लिए। तुम्हारी जैसी है, है? वो ही कपड़ा है ये? नहीं वो नहीं है, ये बाहर से बोला ना, अंदर सेम ही अंदर से। देख ये सही लग रहा है, मगर यार मैं गंदा हो जा रहा है। ये सब लेडीज ही है ना? यूनिसेक्स है। अच्छा कोई पहनो। देखो भैया मौत का खेल चल रहा है, ये तो खत्म, बाय बाय टाटा। बैठ जाओ ऐसे गोल 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 गोल, और नीचे ऊपर नीचे ऊपर। देखो गया 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 नीचे गया, और इधर से आएगा। देखो आज जे आगो सांस ही निकल जाएगी जहाँ तो भैया भाई। यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो चलिए आपको कार्यक्रम और दिखाते हैं यहाँ पे। अभी फेस्टिवल चल रहा है ना, अरे हाथ पकड़ खा ले जा रही है। चूंकि फेस्टिवल चल रहा है ना तो इस समय ये सब बंद कर रखा है, तो बस मुड़ रही है। बाकी तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई, देख लो पार्किंग में लगा सको तो पार्किंग में लगा दो, नहीं तो पहिया पहिया आओ, और नहीं तो कचू सकुटू फकुटी सी ले लो, वहां में ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये जो उत्सव सा हो रहा है ना, कार्निवल हो रहा है, देखो इसका पूरा यहाँ लिखा हुआ है। 9 बजे कहाँ होगा, फिर कहाँ होगा, जॉर्ज एवरेज पे कितने बजे क्या हो रहा है, गढ़वाल टेरेस पे क्या हो रहा है ना, और ये शहीद स्थल पे क्या हो रहा है, तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है। तो आप इसको पॉज करके देख लो, तकरीबन यही हर बार होता है, हर साल लगभग। इसको हटाते हैं, हट जा फिर मुड़ को बाहर जाएगा। देखो इस तरह के रिक्शे चलते हैं जैसे आपने देखा होगा हम बैठ के आए थे, और यहाँ पे देखो भाई साहब कितनी फोर्स तैनात है, यहाँ पे सारी फोर्स यहाँ पे बैठी हुई है, काम के हिसाब से चल रहा है यहाँ पे सिस्टम। यहाँ पेंटिंग वेंटिंग कुछ हो रखी है। तो मुझे इस कार्निवल में जो सबसे धांसू चीज़ लगी है वो तुमको दिखाता हूँ। मेरी छाती चौड़ी हो गई इस चीज़ से कि इस चीज़ का कार्निवल में होना बहुत ज़रूरी था। बाकी खाने वाने की दुकान है, ख़रीदारी की दुकान है, और अपने अपने उनके क्या कहते हैं लोगों के कल्चर से रिलेटेड दुकानें तो बहुत देखी मैंने मेलों में, बट भैया हमारे भारत देश की सेनाओं की, उनकी बंदूकों की, उनके कल्चर की प्रदर्शनी देखने में अलग आनंद आएगा। तो चलो वो दिखाता हूँ मैं आपको। बोले हमारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की लाइन से लगा के, और सारे बल अलग अलग होते हैं, मैं एक एक करके सारे बल दिखाता हूँ आपको। इस तरह की यूनिफॉर्म होती है, जा सकते हैं अंदर। और यहाँ पे देखो पूरा लिखा हुआ है, ये CRPF का है एक्चुअली, मैं आपको बताऊँगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं CRPF को। CRPF का ये ना सर, कैसे भर्तियाँ होती हैं उसके सारे स्टेशन लिखे। अच्छा भर्तियाँ भी कैसे लोग कर सकते हैं? हाँ, इसमें PSC के डायरेक्ट सारे स्टेशन
तो सर ने बताया ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपकी भर्ती कैसी होती है, तो मैं सारा एक बार दिखा देता हूँ। जिसके काम का हो वीडियो वो वहाँ पॉज करके ना उसको देख लेना। तो देखो, एक तो ये है, सारी जितनी भर्तियाँ होती हैं, UPSC का है ये SSC का है, ये CAPF का है, ये भी CFPF का ही है, मगर ये अलग पोस्ट है, हेड कॉन्स्टेबल है, और ये आपकी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और देखो ये रिक्रूटमेंट ग्राउंड्स का हिसाब है। तो ये भी CRPF है, ये भी CRPF है, बट वो काट गोदाम की है। और ये किसकी बता रहे थे सर आप? ये रामपुर की है। ये दोनों जगह की अलग अलग है, दोनों जगहों से यहाँ पे ये प्रदर्शनी लगी है जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर को बेसिस करते हुए क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सबको यहाँ पे दिखाया गया है। देखो इस तरह के लाइव्स होते हैं। ये जो बगल वाली जो स्टॉल है ना, ये RAPO की है। जिनको नहीं मालूम है भैया सर्च करो, क्योंकि मैं बता दूंगा तो ख़राब है, बाकी जो समझदार है लोगों में देख के समझ गए होंगे। और देखो ये सारे जितने भी वेपन्स हैं इनमें डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, लेस लीथल वेपन्स। ये देखो कितने तरह के वेपन्स है भाई, ये भी लेस लीथल मिनिशंस हैं, और वो आपके हैं पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स। RAPO में काम क्या होता है, जो भी क्राउड होता है ना, जो भी अननेसेसरी और क्या कहें दंगाई क्राउड होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी इस फोर्स की आवश्यकता लगती है। और यहाँ पे सारी चीज़ें होती है, जैसे गैस मास्क है आपका, वो प्रोटेक्शन है जो आपने देखा भी होगा बहुत तरह से। और देखो इनकी यूनिफॉर्म कैसी होती है, क्योंकि ज़रूरत होती है ना। ये देखो पूरी, ये मुझे लगता है बुलेट प्रूफ है, ये बुलेट प्रूफ है। और ये इनका एम्बलम है RAPO का, छत्तीसगढ़। और मैं बता देता हूँ, ऑडियो में आया नहीं होगा आप लोगों को, जहाँ भी हमारा मतलब ये पर्टिकुलर, अगर मैं स्टॉल की बात करूँ तो ये स्टॉल जो जहाँ से लगी है ये है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, और ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर्स को भी मैनेज करते हैं। और कहाँ बताए थे सर? चाइना बॉर्डर, पूरा चाइना बॉर्डर जो है, तिब्बत चाइना बॉर्डर को पूरा, यही फोर्स है जो हम लोगों की और आप लोगों की सुरक्षा करती है। आप लोगों को पता होगा कि चाइना के इस समय जो उनका जो घुसपैठ है वो किस तरह और किस लेवल पे है, तो बस यही फोर्स है जो हमको बचा के रखती है। इनके जो लीथल वेपन्स हैं, ये लेस लीथल नहीं है, ये प्रॉपर लीथल वेपन्स हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा में काम आ रहे हैं, वो दिखा देता हूँ आपको। बहुत से लोगों ने ये सारी चीज़ें वीडियोज़ में ही देखी होंगी, अब भी वीडियोज़ में ही देख रहे हो आप। देखो ये वाली है, ये मुझे लगता है इन सब में सबसे लेटेस्ट ये वाली होगी ना, ब्रेटा 9mm ब्रेटा MX स्ट्रॉम। ये कितने राउंड फायर करती है एक साथ? ये सर ऑटोमेटिक है, जितना मैगजीन में रखा होगा एक बार ट्रिगर दबा दे तो पूरी मैगजीन खाली। अच्छा, मतलब मैगजीन वो एक बार ट्रिगर के साथ एक साथ चलेगी? सिंगल शॉट भी है। अच्छा, आप अगर सिंगल शॉट पे करोगे, इसमें एक सिस्टम होता है जी, तो ये सिंगल शॉट में भी होती है, और आप जैसे इसमें ऑटोमेटिक कर सिंगल शॉट लॉक हो गया और वैसा हो गया। अगर ऑटोमेटिक करो तो ऑटोमेटिक पे लगा के एक बार ट्रिगर दबा देते हैं पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। और मैगजीन में है कितने राउंड्स? मैगजीन 30 राउंड्स आते हैं इसके अंदर, क्योंकि बॉर्डर पे तो मुझे मालूम है बहुत दूर शूट करने के लिए तो आपको स्टैंड्स और प्रॉपर निशाने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, वो रही ओल्ड गन है सर, ये अभी यूज नहीं होती है। क्या सर? ये जापानी ओल्ड गन है, अभी ये यूज में नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज हुई थी, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और जो ये अभी लेटेस्ट जो अभी इस टाइम पे यूज करते हैं तो ये हो गई है। अच्छा, हमारा MMG हो गया, 81 मोटर हो गया, और 7.62 मैग। अच्छा, रॉकेट लॉन्चर हो गया। ये रॉकेट लॉन्चर है? ना, ये रॉकेट लॉन्चर ये है। अच्छा, ये है, ये रॉकेट लॉन्चर, ये 62 वार वाले हैं, सारे पुराने वेपन है। ओह माय गॉड, इसी का रूप ये है लॉन्चर है, ये ठीक है, 34mm लॉन्चर है। अब ये बंद हो गया तो ये आ गया, ये नया। तो अभी करंट यूज में हमारे पास ये वाला लॉन्चर है, अभी एक और आ गया इससे भी। अच्छा, इससे भी और हल्के में आ गया। ओके, वो जो कैरी करके आप कंधे पे लेके चला सकते हैं। अच्छा, फायर भी कंधे से ही होगा। ओके, हाँ वैसे ही, वो तो यार वो तो वीडियोस में तो किसी भी दिखा देते हैं, मगर एक्चुअल में वेपन्स देखना अलग चीज़ है। वजन इतना होता होगा कि कैरी करना ही कितना मुश्किल हो जाता होगा इनको। तो ये पुराने वेपन्स हैं और जरूरी है प्रदर्शनी ऐसे वेपन्स की करने। BMG बोलते हैं इसको ना, बटन मैगजीन, बटन मैगजीन, ये वो ही है। हाँ, वो वाली जो उधर देखी थी, मशीन गन बोलते हैं इसको, इसका रूप अब हुआ है नया। ओके, इसमें तो मुझे जहाँ तक याद है इसमें तो अलग से राउंड की पूरा सेट लगता है, एक यहाँ से लगती है, वो साइड से गिरती रहती है, वो चलती रहती है, उसमें भी उसको ही लगता है, सेम है। ओके भैया मेरे, ये देखो स्नाइपर शूटर तुम्हें देखा होगा बहुत पिक्चर में दिखाते हैं, स्नाइपर है, ये LMG है, ये भी LMG है, ये तो मुझे लग रहा है नहीं है ये वाली स्नाइपर ना, हाँ ये नया मॉडल है, मेरे हिसाब से 4 या 6 साल पुराना होगा मॉडल। और ये मल्टीपल शॉट्स बूमर होंगे। ओके, बाकी ये छोटे इक्विपमेंट्स हैं, हार्नेसेस हैं,
और बाकी सारी चीज़ें हैं जो इनके क्योंकि बॉर्डर फोर्सेस पे क्या होता है ना, पहाड़ों पे चढ़ना होता है, उतरना होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सोचने से ही दूर हैं आपके, तो उन सब में ये सारे इक्विपमेंट्स काम आते हैं। और ये नीचे इतने तरह की नॉट्स होती हैं क्योंकि हर नॉट का अलग यूज़ होता है, जैसे स्लाइडिंग नॉट है तो उसमें आप क्या है ना, नॉट लगा ली और आप जुड़े रहेंगे और ऊपर नीचे जा सकते हैं। उधर देखोगे डायरेक्ट नॉट्स हैं, बेसिक नॉट्स हैं, इनडायरेक्ट नॉट्स और जॉइनिंग नॉट्स हैं, तो ये भी तमाम तरह की नॉट्स हैं जो हमको आनी चाहिए बेसिक। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पर सर्दी इतनी पड़ती है ना कि इतना आपको कम से कम पहनना पड़ेगा, और ये भी मुझे लग रहा है ये करंट की नहीं होगी, ये पुरानी यूनिफॉर्म होगी, ये बेसिक एक सिर्फ प्रारूप से समझाया होगा डिस्प्ले के लिए, नहीं तो एक्चुअल हाँ नहीं तो भैया अब इसके बिना पहने तो नमस्ते बोलेगा। बाकी थैंक यू सो मच सर। भैया स्टिक वाली रखते हैं क्या, पूछ रहा हूँ आउट ऑफ दी स्कोप। स्टिक चॉकोबार होगी सर मेरे पास अभी। अच्छा चॉकलेट है बस। हाँ जी। खानी मैडम चॉकलेट, ये कुल्फी देख लीजिए सर, डंडी वाली से चॉकलेट खानी है, हैं? और कोई नहीं है? नहीं और भी है, कुल्फी है स्टिक में, बाकी स्टिक्स में कुल्फीज है, कुल्फी नहीं खानी, स्ट्रॉबेरी लेनी है, स्ट्रॉबेरी में फ्लेवर में क्या होगा दादा? स्ट्रॉबेरी में तो सर या तो फिर मैं कप में दे पाऊंगा आपको या कोन में, या तो इसमें रोज ले लीजिए कुल्फी, रोज भी बढ़िया फ्लेवर है। ये लो स्ट्रॉबेरी, कौन बड़ा हल्का सा है, कौन मजबूत होना चाहिए था। भैया इनको तो आइसक्रीम दिला दी है, कपड़े फाड़, ठंड पड़ रही है और इनको आइसक्रीम खानी है। तो ये देखो ये है फूड फेस्टिवल जो है ना, वो 27 तारीख से 29 दिसंबर तक ही है, और आज है 29 दिसंबर। मास्टर शेफ जो जीती थी शायद पहला या दूसरा जीती थी, पंकज जी, वो आई हुई हैं, और इनका शायद भाई साहब का यूट्यूब चैनल है, तो ये भाई साहब आए। मैंने आपको दिखाया था ना, देखो पंकज भदौरिया जी वो बांट रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे हैं, मतलब वही पहला दूसरा प्राइस बांट रहे हैं, दिखाता हूँ वीडियो। We have is the innovation as the best decor and dressing, and at number 3 we have Jai Badrinath Swayam Sahitya Samaroh. Such a beautiful way at their stall. क्योंकि हमारे पास innovation के साथ साथ एक traditional attire और deco का भी एक वो price था, मुझे लगा इनसे ज्यादा उसको कोई deserve नहीं करता था। तो ये क्या है ना, inter hotel और inter क्या कहते हैं food, ये कंपटीशन चल रहा है जिसके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। आपके होटल को प्राइस मिल गया है? मिल गया सर। ओ मैं देख के आया अभी, इसलिए सच्ची मिल गया है, सेकंड प्राइस मिला है शायद, स्टेरलिंग है ना? हां जी वही मिला है। ये वाली बनाना, ये वाली मत बनाना, वो मत बनाना, ये बनाना चने वाली। हरी मिर्च नहीं डालना? नहीं नहीं हरी मिर्च कुछ नहीं, सिर्फ प्याज टमाटर और धनिया वगैरह और नींबू अच्छे से जितना आप खाना चाहें सर। तो भैया देखो हम तो क्या है ना पहाड़ी खाना कई बार खा चुके हैं, जो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं पहाड़ी खाना तो कई बार खा चुका हूँ। अब क्या है, हम ये पहाड़ी खाना खाने का मन नहीं कर रहा, सादा खाने का मन कर रहा है। तो देखो यहाँ फूड फेस्टिवल एंड हो गया, एक बार दोबारा हम जाते हैं आपको, और वहाँ से सारा कोशिश करते हैं दिखाने की क्या क्या लग रहा है, तो जस्ट एक जिस्ट में दिखाएंगे, देखना। तो ये देखो ये सारे ना जितने भी पहाड़ी क्या कहते हैं स्पाइसेस तो नहीं कहूँगा, दाल कहूँगा, पल्सेस, ये सारे पल्सेस हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे पल्सेस वाले रखे हुए हैं, लास्ट जब गए थे तो लेके आए थे। बाकी इनसे बनता क्या क्या है तो ये देख लो, कुछ भी बना लो, आटा ही तो है। पॉइंट से ना हमेशा अच्छा व्यू आता है, हमेशा जहाँ लिखा हुआ है ना आइलम मसूरी, दिखाता हूँ व्यू देखो। तो अभी रुके हैं बीच में, पाव भाजी मार ली जाए, धूप में खाएंगे, वहाँ खड़ी हो पेमेंट कर देता हूँ भैया, टेस्ट करिए पहले। तो पीछे जैसे आपने देख लिया था ना वो फूड कार्निवल चल रहा था, अब ये शॉपिंग या फेस्टिवल कह लो उस तरह का चल रहा है। ये मड़वे के आटे के मोमोज हैं, तुमने मैदा खाया होगा, आटा खाया होगा, मड़वे का आटा नहीं खाया होगा जो कि सिर्फ यहीं पहाड़ों पे ही मिलता है, तो मड़वे के आटे के मोमोज थे वो। अभी थोड़ी बहुत सी जो शॉपिंग शॉपिंग कर ली है, अब रुके हुए हैं एक जगह, उसको चाहिए इयर रिंग्स कान के झुमकास, वो मिल नहीं रहे तो रुके हैं दुकान पर। देखो बवाल मचा हुआ है यहाँ पर, ये दुकान लग रही है वो बरेली की है, बरेली में झुमका मिले ना।
मिले कोई देख ले यहाँ तो ये थोड़ी सी फैंटी काला हो जाएगा। ये तो अलीबाबा 40 चोर वाला सिस्टम है, यहाँ पे तो खजाना पड़ा हुआ है यार। इतनी बड़ी दुकान में ही पसंद नहीं आया तो फिर मतलब क्या, मतलब क्या क्या करा जाए फिर? जो मैंने उससे मांगा उससे था ही नहीं, मैं जा रही उसकी दुकान पे। 2,500 से ज्यादा वो लगे, बाकी दुकान पे वो होंगे इयर रिंग्स। मैं हूँ, तेरे वाले ना निकले हैं, तेरे वाले ना निकले हो। तो हम रुके हैं एक जगह मोमोज वाले भैया की दुकान पे, और ये रही भैया की दुकान। और देखो वो भैया स्कूटी से गए हैं और मुझको जिम्मेदारी दे गए हैं, आज मैं मोमोज बेचूंगा लोगों को। नहीं ताकत नहीं, आज मैं मोमोज बेचूंगा। मोमोज ले लो, मोमोज ले लो। मोमोज हमारे स्टीम हो रहे, भैया गए हमारे 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 भरोसे छोड़ के गए हैं। हम फोटो खिंचवा ले मोमोज की दुकान पे, ये भी अलग होता है। पास से खींचो, खींचो खींचो भैया, मोमोज दे दो। आ रहे भैया, मेरे भरोसे छोड़ के गए दुकान। सब मुझे ही सोच रहे हैं, आ रहे वो आ रहे, मेरे भरोसे छोड़ के गए। दो लोग सोच रहे मैं मोमोज बेच रहा हूँ। ये भी लाइफ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। भगवान, ये प्रभु, ये और ये कंफ्यूजन कर दिया बुरी। नहीं नहीं भैया कहेंगे परेशान की तो बात नहीं है, पहले सिलेबस क्लियर रखो, तुम 10th के पेपर देने की 12th के। घर से नहीं, एक दिन पहले नोट्स बना के लाओ। यार देखो सुनो, ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी ये इंडिया से बाहर नहीं आनी चाहिए किसी हालत में भी। होममेड कॉलम है, RCC होममेड कॉलम, दुकान खड़ी करें 5 मिनट में। तो बस अब निकलने वाले हैं, बस नीचे ही है मसूरी वाली रोड पे। घर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं क्योंकि पास ही है मसूरी। आपको मैं सनसेट दिखाता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है भाई साहब। कैमरे में देख रहे हो ना इस समय, ये वाली चिड़िया है शाम के समय भी बहुत सारी थी, जैसे ही मैंने कैमरा निकाला सारी भाग गई। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। न्यू ईयर पार्टी करेंगे, पापा से बात करो। मैं मामू चिंकी बन जाऊंगी, मजा आ जाएगा। चिंकी बन जाएगी? कौन सी चिंकी? पिंकी? तो मैंने तो अपने मोमोज पैक करा लिए, मैं वैसे ही बहुत कम खाता हूँ, बट ये इसके मोमोज मैंने खाए थे भैया के, अच्छे हैं मोमोज। कल एक आध मोमो ही खाया था इसलिए रख लिए हैं कि घर जाएंगे जब टाइम मिलेगा मैं ही खाता हूँ मोमोज, तो मोमोज मार लिए जाएंगे। अब चल रहे हैं घर की तरफ सीधे फटाफट दौड़ते हुए। तो पतंजलि वाले बाबा की दुकान पे रुके थे, कुछ सामान अभी लेना था रास्ते से, तो वो हैंड वॉश वगैरह ठीक रहता है, खुशबू ठीक रहती है, चीज़ें ठीक रहती है, तो वो परचेज़ कर लिया। तो बस अभी अभी घर पे आ गए हैं, 10 मिनट हुए हैं, कपड़े चेंज कर लिए, नहा धो लिए हैं। तो आज आपने पूरा मसूरी का जो फेस्टिवल था मॉल रोड वाला और जो फूड फेस्टिवल था वो आपको अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो शेयर कर देना, कमेंट्स करके अपना प्यार बरसाना और लाइक कर देना वीडियो को अच्छा लगा हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक सब्सक्राइब करने में आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, मगर मेरे लिए एक एक सब्सक्रिप्शन आपका बहुत मायने रखता है, जो कि बिल्कुल फ्री है भाई आपके लिए करना, तो कर देना। और इसी तरह हमारे ब्लॉग देखते रहो, मयंक समय पर बने रहना, कोई सजेशन हो तो बता देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। राधे राधे।